किया गया, क्या मामला रहा है? ये 21 तारीख की घटना है। यहाँ पर एक गौ हत्या का मामला सामने आया था जिसमें 9 आरोपी नामजद आरोपी बनाए गए थे। इसमें लगातार उसी दिन तत्काल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई थी और आज रात में भी एक आरोपी अरेस्ट किया गया है। बाकी के 3 आरोपी फरार हैं, लगातार राजस्थान में दबिश दी जा रही है और संभवतः 2-1 दिन में वो भी बाकी के जो फरार आरोपी वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। और प्रशासन पूरी तरह से ऐसी अपराधों पर पूरी तरह से दृढ़ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी के तारतम्य में आप देख रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है ये भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जा रही है। सर क्या मकान बनाए थे, क्या था? ये राजस्व का मामला है। राजस्व अधिकारियों का ये कहना है कि मकान पूरी तरह से बिना अनुमति के बनाए गए हैं और उसके लिए उन्होंने विधिवत नोटिस भी दिए थे लेकिन कोई कार्रवाई इनके द्वारा नहीं की गई। तो आज उनके द्वारा इनका मकानों को तोड़ा जा रहा है और उसके लिए हम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व्यवस्था लगी। कितने आरोपी? टोटल 9 आरोपी थी जिसमें 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके कारण ही नहीं की गई है कार्यवाही, पूर्व से प्रस्तावित थी, पूर्व से ग्राम पंचायत के द्वारा इनको नोटिस दिए गए थे, पहले एक बार नोटिस दिया गया तब भी इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और नाथ का अपना अतिक्रमण हटाया गया। फिर दोबारा इनको नोटिस दिया गया है 22 तारीख को, उसके बाद भी इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, ना ही अपना अतिक्रमण हटाया गया। तो ग्राम पंचायत के कहने पर पुलिस और प्रशासन के सहयोग से इनके मकान छोड़ दिए गए। दो मकान जो अतिक्रमण करके इनके द्वारा बनाए गए थे और एक नींव वगैरह भरने का प्रयास, तीसरा मकान बनाने का प्रयास किया था उसको भी हटा दिया। इसमें बताया जा रहा था कि हाँ इसमें वो लोग भी शामिल है। कितने लोगों पर एनएसी भी लगाया गया है? ये जानकारी आप टीआई साहब से ले सकते हैं ना, एफआईआर की कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी।